The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what causes आपके stomach में ulcers? दोस्तों पेट में छाले बहुत से कारणों से हो सकते हैं और बहुत से कारण में सबसे कॉमन कारण है विटामिन डी और बी ट्वेल्व की डेफिशिएंसी, जिससे कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी ख़राब हो जाती है और बहुत ही आसानी से हमारे पेट में हो सकते हैं छाले, मुंह में हो सकते हैं छाले। और दूसरी कारण होता है एच पायलोरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। एच पायलोरी नामक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन भी बार बार लगातार कई बार हज़ार बार आपको लगा सकता है स्टमक अल्सर्स। और ऐसे ही कई सारे दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स हैं अल्सर्स में। किसी भी प्रकार की दवा पेट में जाके अल्सर्स कर सकती हैं और आपको अल्सर्स बिना किसी कारण के भी हो सकते हैं। सो अगर आपको स्टमक में अल्सर होगा तो सिम्टम क्या होगा? स्टमक में अल्सर ना कई बार फूड पाइप में होते हैं, कभी स्टमक के अंदर होते हैं, कभी स्टमक के जस्ट नीचे होते हैं। सो खाना खाने के बाद अगर आपको पेट में जलन हो रही है, चुभन हो रही है, गैस जैसा महसूस हो रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, खट्टे डकार आ रहे हैं, रिगर्जिटेशन हो रही है, तो ये सारे सिम्टम्स एसिड पेप्टिक डिजीज़ या स्टमक अल्सर्स या पेप्टिक अल्सर की तरफ इशारा करते हैं। और खाना खाने के पहले या खाने के बारे में सोचने पर ही अगर आपको दर्द हो रहा है, छाती में जलन हो रही है, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। सो कैसे इसको डायग्नोस किया जाए, क्योंकि मेन आज का जो टॉपिक है, हमने ऑलरेडी पहले इस टॉपिक को डिटेल में कवर कर रखा है कारण और सिम्टम्स के ऊपर, और आज हम बात ज़्यादा करेंगे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे। सो अगर हमें किसी भी प्रकार की अल्सर की हिस्ट्री है तो ऑब्वियसली फिजिकल एग्जामिनेशन और जो भी सिम्टम्स आप बताओगे जिस पे शक होगा कि भी पेट में, छाती में, पेट में अल्सर हो सकता है, फूड पाइप में अल्सर हो सकता है, तो इसमें जो टेस्ट आते हैं उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है भाई साहब, वो है एंडोस्कोपी। क्वाइट फ्रेंकली एंडोस्कोपी, अपर जिया एंडोस्कोपी मेन सबसे ज़रूरी तो नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा टेस्ट है जिससे सीधा सीधा आंखों के सामने दिख जाता है अल्सर है, कहाँ है, कितना बड़ा है, और अल्सर है या छाला है या क्या है, सिंपल। सो आपका डॉक्टर डाइजेस्टिव सिस्टम में एंडोस्कोप डाल के एंडोस्कोपी करेगा, वो आपके स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन तक जा सकता है, अल्सर्स के लिए देखा जा सकता है, अल्सर्स पे एक बायोप्सी छोटा सा सैंपल लिया जा सकता है, उसको लैब में टेस्ट किया जा सकता है कि इसमें किस प्रकार का कोई बैक्टीरिया, यानी कि एच पायलोरी तो नहीं है, और किसी प्रकार की कोई म्यूटेशन, कोई कैंसरस सेल्स तो नहीं है, और भी किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तो ये सब देखा जा सकता है एंडोस्कोपी और बायोप्सी में। और खून में भी, लेबोरेटरी में भी आपका ब्लड टेस्ट किया जा सकता है, जिसमें हम एच पायलोरी के लिए ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देख सकते हैं, CBC ASR देख सकते हैं, जनरलाइज बॉडी में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है वो देख सकते हैं, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, उसके में प्रॉब्लम के लिए लिवर फंक्शन कर सकते हैं, पैनक्रियाटिक लाइपेज अमाइलेज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस, हिस्ट्री, पेन कहाँ है, कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, उसके ऊपर ये ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। लेकिन एच पायलोरी बैक्टीरिया, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है स्टमक अल्सर्स का, उसको देखने के लिए टेस्ट, ब्लड टेस्ट भी आता है और लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं, इसलिए रूटीनली नहीं किया जाता। तो एच पायलोरी का एक और टेस्ट होता है ब्रेथ टेस्ट। ब्रेथ टेस्ट में इसमें क्या होता है, अगर कोई चीज़ आप ऐसी खा रहे हो जिसमें रेडियो एक्टिव कार्बन है, एच पायलोरी उस कार्बन को ब्रेक डाउन कर देगा आपके स्टमक में, और फिर उसके बाद आप एक बैग पे फूंक मारोगे, ब्लो करोगे, सांस लोगे, तो अगर आपका एच पायलोरी पॉजिटिव था तो आपका रेडियो एक्टिव कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में दिखाई देगा और आपको एच पायलोरी का इन्फेक्शन माना जाएगा। सो ऐसा ब्रेथ टेस्ट भी अवेलेबल है जिससे ये देखा जा सकता है। और अगर आपने एंटासिड ले रखा है एच पायलोरी टेस्ट के पहले, तो फिर आपको अपने डॉक्टर को बताना है, क्योंकि कई बार एंटासिड जो है इस टेस्ट को फॉल्स नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव बता देंगे, तो फॉल्स पॉजिटिव आएगा नहीं। इसके अलावा और भी टेस्ट अवेलेबल हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के, जैसे कि जिसमें हम बेरियल स्वालो एक्सरे, अपर पेट का एक्सरे, ऐसी चीज़ें की जा सकती है कुछ चीज़ खिला के, बेरियम स्वालो, यानी बेरियम नाम का एक एनीमा खिलाया जाता है, बेरियम नाम की एक कंट्रास्ट खिलाया जाता है, जो कि ऊपर से डालें तो स्वालो बोलते हैं, नीचे से डालें तो एनीमा बोलते हैं, ऊपर से डाल के एक्सरे करेंगे तो दिख जाता है कि आपका
फूड पाइप का शेप साइज कैसा है, उसमें कहीं किंक तो नहीं है, उसमें कोई गांठ तो नहीं है, सब दिख जाता है। फिर अल्टीमेट बात आती है ट्रीटमेंट की। क्वाइट फ्रैंकली बहुत ही ज़्यादा असमंजस वाली बात है। एंटीबायोटिक्स का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है स्टमक अल्सर्स, और एच पायलोरी के वजह से आपको स्टमक अल्सर हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट भी फिर एंटीबायोटिक है। जी हाँ, सो ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन द कॉज एंड यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट एच पायलोरी का एस्पेक्ट दो चीज़ें हैं। एक तो एच पायलोरी है नहीं है पता करें, और दूसरा उसका कारण ढूंढें। अगर तो पेन किलर्स हैं, पेन किलर से भी अल्सर्स होते हैं एक्चुअली, एंटीबायोटिक से भी ज़्यादा कॉमनली पेन किलर से होते हैं। तो अगर पेन किलर्स खा रहे हो तो पेन को कम करने के लिए दूसरा कोई तरीका ढूंढा जाए ताकि आपकी इस समक अल्सर्स की कारण ही खत्म हो जाए। एंटीबायोटिक्स अगर ज़रूरत पड़ रही है कि एच पायलोरी पॉजिटिव है तो एंटीबायोटिक्स देने पड़ेंगे। इसमें कई सारे एंटीबायोटिक्स का रेजिमेन आता है, एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ऐसी एंटीबायोटिक्स यूज़ की जा सकती हैं। आपके केस में आपके जहां आप रहते हो उसके हिसाब से पता चलेगा कि वहां पर किस प्रकार के एच पायलोरी बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हैं किससे और कौन सा ट्रीटमेंट काम कर रहा है उसके हिसाब से। उसके अलावा पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर कोई बिस्मथ सैलिसिलेट का कोई एंटासिड आपको साथ में दिया जा सकता है ताकि इससे और एसिडिटी ना हो, और साथ में प्रोबायोटिक्स दिए जाते हैं एंटीबायोटिक्स के साथ, ये बात याद रखिएगा। और इसके अलावा एसिड बनने से रोकने के लिए जैसा हमने कहा पीपीआईज, जिसमें आपका ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लैंसोप्राजोल, और इसोमेप्राजोल, सब आएगा, रेबेप्राजोल, लॉन्ग टर्म प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स भी आने लग गए हैं अब। लॉन्ग टर्म यूज़ अगर आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का करोगे तो फिर उसमें क्या होता है, आपका हिप रिस्क, फ्रैक्चर के रिस्क बढ़ जाते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट आपको देना पड़ेगा उसके साथ। सो एसिड प्रोडक्शन को कम करने के लिए और भी तरीके के आते हैं H2 ब्लॉकर्स, जैसे कि सिमेटिडीन, रैनिटिडीन, फामोटिडीन। अब रैनिटिडीन अब आना बंद हो गया है, ऑलमोस्ट बैन हो गया है बिकॉज ऑफ सम साइड इफेक्ट्स, तो उसको बंद कर दें। एसिड ऐसे भी आते हैं जो न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिटी को, न्यूट्रलाइज। ऑब्वियस सी बात है कि स्टमक में छाला हुआ है, इस तरफ छाला हुआ है मुंह में तो इस तरफ से खा लोगे, लेकिन स्टमक में क्या करोगे, वहाँ जहाँ छाला हुआ है वहाँ तो खाना अलग नहीं है, तो इसीलिए हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है। तो फिर हमें एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट जैसे कि किसी प्रकार का जेल आता है, डाइजीन का जेल हो गया या सिमेथिकोन का जेल हो गया, ऐसी चीज़ें देनी होती है। सिमेथिकोन बेसिकली क्या करता है, ये स्टमक लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, स्टमक लाइनिंग के ऊपर कवर कर देता है ताकि जो एसिड लगे भी तो वो स्टमक लाइनिंग को जले ना, और जले ना तो अल्सर को जले ना या खाना जाके उसको लगे ना। तो सिमेथिकोन वाला जो आता है सिमेथिडीन या सुक्रालफेट, ऐसी चीज़ें, तो सुक्रालफेट वाला ये मेडिकेशन जो आती है ये इसके लिए दी जाती है स्टमक अल्सर्स के लिए, के अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट होते हैं सिमेथिकोन बेसिकली जाके जो स्टमक में अल्सर्स होते हैं इसमें गैसेस बनती हैं, गैसेस में सरफेस टेंशन जो है, सरफेस टेंशन टूट देता है तो फिर उसमें बबल्स नहीं बनते, तो फिर बबल्स ऊपर नहीं आते, अल्सर्स को टच नहीं करते। सो सिमेथिकोन भी काम का है, एंटासिड्स भी काम के हैं, एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स भी काम के हैं, और अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट्स जैसे कि सुक्रालफेट भी काम का है। इसमें कुछ मिसोप्रोटिस्टोल नाम के एजेंट्स भी हैं जो अभी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसके अलावा याद रखिएगा कि बहुत ज़रूरी है आपको स्ट्रेस को मैनेज करना, जितना स्ट्रेस होता है उतना ही एसिड प्रोडक्शन होता है, और स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाइए। जब स्टमक एम्प्टी होता है तो एसिड प्रोडक्शन, साथ में एसिड गाढ़ा भी हो सकता है आपको भूख लगे तो इन फ्रीक्वेंट खाना खाने से क्या होता है, स्टमक में कुछ ना कुछ रहता है तो एसिड को डायल्यूट करके रखता है, दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, राइट। बट अगर आपकी दिक्कत बढ़ती जा रही है तो फिर आपको एंडोस्कोपी करानी होगी, और एंडोस्कोपी के अलावा वहाँ पर और भी रिफ्रैक्टरी अल्सर्स का, जैसे एक जोलिंडर एलिसन सिंड्रोम नाम की चीज़ है, स्टमक अल्सर्स में स्टमक कैंसर रूल आउट करने ज़रूरी हैं, क्रॉन्स डिजीज़ रूल आउट करनी ज़रूरी है। ऐसे केसेस में फिर हमें डिफरेंट एंटीबायोटिक्स और अलॉन्ग विद डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट यूज़ करने पड़ते हैं। अगर कोई अल्सर ब्लीड कर रहा है तो फिर उसकी सर्जरी करनी पड़ सकती है, कभी कभी अल्सर्स परफोरेट हो जाते हैं तो फिर भी एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है। याद रखिए अल्सर्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, आप प्रिवेंट कर सकते हैं अल्सर्स, होम रेमेडी कर सकते हैं अगर है भी, बाय अ हेल्दी डाइट। आपको फ्रूट्स बहुत सारे खाने हैं, वेजिटेबल्स बहुत सारी खानी है, विटामिन ए सी बहुत अच्छे तरीके से चाहिए, ए और सी, फूड ग्रेन्स चाहिए, राइट। तो अगर आप ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, विटामिन रिच फूड नहीं खाते हैं, तो आपकी बॉडी अल्सर्स को ससेप्टिबल हो जाएगी। फिर प्रोबायोटिक्स चाहिए आपको, दही चाहिए, चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है।
फिर मिल्क को कम कर दें, जो किसी किसी को मिल्क से गैस बनती है, तो मिल्क को कम करके दही खाएं। स्ट्रेस कम करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करें, स्ट्रेस से ज़्यादा बढ़ेगा। स्मोकिंग कम करें, अल्कोहल कम करें और नींद अच्छी लें। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, नींद अच्छी, अल्कोहल बंद। अल्कोहल से इंटेस्टाइन की लाइनिंग इरिटेट होती है, अल्सर्स बन सकते हैं। स्मोकिंग से इरिटेट होती हैं, कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्टमक एसिड बढ़ जाता है, तो स्मोकिंग इज़ वेरी बैड। सो आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले सकते हो, एंटासिड्स ले सकते हो, और बहुत सारे बॉटनिकल चीज़ें, जो जैसे कि टर्मरिक अच्छी चीज़ है, कैबेज अच्छी चीज़ है, नीम बाग अच्छी चीज़ है इसमें, तो इफ़ेक्टिवली इन सबको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। रिमेंबर, आपको अपने लाइफ को टटोलना है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही, उसी के हिसाब से स्टमक अल्सर का ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है। वरना कई लोगों में ये क्रोनिक सालों साल तक चलता है और सालों साल दवा लेना पड़ जाता है उनको, और फिर सालों साल दवा लेने से हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं। तो रिमेंबर टू टेक अ कैल्शियम सप्लीमेंट इफ यू आर नॉट टेकिंग वन, एंड रिमेंबर टू शेयर दिस वीडियो बिफोर यू गो एनीवेयर एल्स। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट टुडे स्टमक अल्सर्स। इफ यू वांट टू नो अबाउट स्टमक अल्सर्स इन डिटेल्स एंड और ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो देन वॉच माई अदर वीडियो, जस्ट टाइप स्टमक अल्सर बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब और आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।